अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल आरा है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर, जिसमें हमने 10th क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी और इसके अंदर हमने जो है फिजिक्स का चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो है हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो पिछला जो है मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा, हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, उसके अलग अलग फेनोमेना, उसके एग्जांपल्स देखे थे, मतलब कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को समझा था, बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर उसके अंदर आपकी कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। उसके बाद जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं अपना नेक्स्ट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर, जो कि है स्केटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा स्केटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि कोई लाइट रे आ रही है, ओके, लाइट रे आ रही है और एटमॉस्फेयर में आती है, मींस कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे क्या मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जब ये रे ऑफ लाइट पार्टिकल्स से जाकर के टकराती है, ठीक है, टकराती है, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ लाइट रेज जो है ये पार्टिकल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को ये क्या करती है, स्कैटरिंग करती है। स्कैटरिंग करने की वजह से ही हमें अलग अलग फेनोमेनास देखने को मिलते हैं। मींस कि अभी हम आगे अच्छे अच्छे इसमें फेनोमेनास पढ़ेंगे कि कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों होता है, बाहर से जो है हमें एटमॉस्फेयर देखने पे ब्लैक क्यों दिखाई देता है, मतलब जो और भी बहुत सारे, यानी कि जो सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर हमारा जो सूरज होता है वो रेडिश क्यों ही क्यों होता है। तो ये सारे फेनोमेनास को हम लर्न करेंगे इसके अंदर, और ये जो होता है ये इस वजह से होता है स्केटिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब जब लाइट जो है रे, लाइट रे पार्टिकल से जाकर के टकराती है, स्कैटरिंग होती है, कुछ लाइट अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है, पार्टिकल, और कुछ लाइट जो है हमें स्कैटर्ड हो जाता है। तो हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं इसके अंदर, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सबसे पहली चीज याद रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, यानी कि जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही कम हमारा जो लाइट की स्कैटरिंग होगी, ठीक है। इसीलिए रेड लाइट जो होती है हमारी लीस्ट स्कैटर्ड होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा वेवलेंथ होती है। रेड के अंदर क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होती है और स्कैटरिंग जो होती है रेड के अंदर, स्कैटरिंग इसी वजह से हमारी कम होती है। और ब्लू लाइट के अंदर हमारा क्या होता है, ब्लू लाइट के अंदर स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी वेवलेंथ कम रहती है, इसकी वेवलेंथ कम रहती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो कम स्कैटर्ड होती है, समझ में आ गया होगा। और ब्लू लाइट जो है ज्यादा स्कैटर्ड होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर स्कैटरिंग बहुत ज्यादा, मतलब वेवलेंथ उसके अंदर बहुत कम होती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना, और इसके अंदर लिखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की हेडिंग डालेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्केटरिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट बीम इज पासिंग, व्हेन ए लाइट बीम is passing through a medium, it hits it hits
द पार्टिकल ड्यू टू पार्टिकल ड्यू टू दिस फेनोमेना some light ray some light ray get absorbed and some light ray is scattering. ठीक है, scattering in various direction. The intensity of scattering of light depend on the particle size and wavelength. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपकी कि जब एक बीम इस पासिंग थ्रू करती है मीडियम से, इट हिट पार्टिकल ड्यू टू दिस फेनोमेनॉन सम लाइट रे गेट एब्जॉर्ब्ड एंड सम लाइट रे इज स्केटरिंग इन वेरियस डायरेक्शन. यानी कि जब एक पार्टिकल से जाकर टकराती है एक रे ऑफ लाइट, तो क्या होता है बीम, तो क्या होता है कि वो स्केटर्ड हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में और कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है वो पार्टिकल लाइट रेज को. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट जो होती है डिपेंड करती है, अगर ज्यादा बड़ा पार्टिकल है तो ज्यादा लाइट स्केटरिंग होगी, कम जो है साइज है पार्टिकल का तो उसका क्या होगा, ऑफ कोर्स कम स्केटरिंग ऑफ लाइट होगा और उसकी डायरेक्ट मतलब उसका उसकी अगर उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है कि ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है कम हो जाती है. हमने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है. ठीक है, टिंडल इफेक्ट. अब नेक्स्ट इसी के अंदर आते हैं हम, टिंडल इफेक्ट क्या, अब देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे. देखिए क्या होता है टिंडल इफेक्ट. ठीक है, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब एक रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट का पाथ हम अपनी आईज से देख सकते हैं तो उसी को फेनोमेना को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट. मान लीजिए एक हमारे पास स्मोक, एक ऐसा रूम है जिसके अंदर स्मोक है, ओके, मतलब धुआं है, फॉग है, तो एक रे ऑफ लाइट वहां से किसी मतलब खिड़की से आ रही है, तो क्या होता है हमें पाथ जो है लाइट का विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है. इसी तरीके से आपने देखा होगा फॉरेस्ट के अंदर, बहुत ज्यादा घने जंगल के अंदर जब लाइट रे इंटर करती है उस घने जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में, तो क्या होता है हमें जो रे ऑफ लाइट है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, दिखना स्टार्ट हो जाता है मींस उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं मौजूद होते हैं वो हमें साफ दिखने लगते हैं. तो उसी फेनोमेना को मींस उसी जो रे ऑफ लाइट जो है विजिबल हो जाती है हम देख सकते हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट. और जो रे ऑफ लाइट जो होती है हमें किस रूप में दिखाई देती है, पार्टिकल्स के रूप में दिखाई देती है. समझ में आया, तो इसके बारे में लिखते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हेन a beam of light strikes such fine particles the path of the beam become the path of the
बीम बिकम विजिबल। विजिबल द लाइट टीचेस अस, द लाइट reaches us after being reflected, after being reflected diffusely by these particles, and this is called Tyndall effect. क्या कहते हैं इसको? And the phenomena of scattering of scattering of light by colloidal particles are known as टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यहां डबल एल आएगा। तो क्या है कि जब एक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है फाइन पार्टिकल से जब टकराती है, द पाथ ऑफ द बीम लाइट बिकम विजिबल। यानी कि जब फाइन पार्टिकल से जाकर के टकराती है तो हमें जो पाथ है लाइट का विजिबल हो जाता है। द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स एंड द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल। अब देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ बहुत सारे, जैसे एटमोस्फेयर के अंदर बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है, बहुत सारे मिक्सिंग रहती है गैसेज की, पार्टिकल्स होते हैं, तो उसी जो मिक्सिंग होती है उसी को हम कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में और 12th क्लास के अंदर। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, समय में आ गया होगा। अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के अंदर ही कुछ एग्जांपल्स की, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ही टिंडल इफेक्ट करेंगे, इसको हटा देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी टिंडल इफेक्ट। ओके, टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, दिस फेनोमेनन इज सीन व्हेन अ रे ऑफ लाइट is passing through a dense dense canopy of a forest। ठीक है, जो बहुत ज्यादा घना जंगल होता है, जब उससे लाइट पास करती है तो हमें क्या हो जाता है, रे ऑफ लाइट विजिबल हो जाती है, हम देख सकते हैं।
ठीक है। सेकंड देखेंगे इसके अंदर, this phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke filled room, through a small hole, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट का पाथ होता है हमारा क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब तीसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल इसी के अंदर, ठीक है। Very fine particles scattered mainly blue light while particles of larger size scatter light the larger wavelength means red, ठीक है। if the size of the scattering particle particles is large, then the scatter light may be white। तो ये देखिए, ये जो है स्केटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स के साइज पर भी डिपेंड करता है, मतलब वेरी फाइन पार्टिकल स्केटर मेनली ब्लू लाइट। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर, जब वो लाइट रे उनसे टकराती है तो हमें कौन सा कलर देखने को मिलता है, ब्लू लाइट। व्हाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज, मीडियम साइज, या नॉट लार्जर साइज या मीडियम साइज होगा, ओके, ऑफ मीडियम साइज ऑफ, ठीक है, मीडियम साइज स्केटर लाइट द लार्जर वेवलेंथ। और लार्जर वेवलेंथ किसकी होती है, हमारी रेड की होती है, आपने देख लिया होगा। इफ द साइज ऑफ स्केटर पार्टिकल इज लार्ज है, देन तब क्या होगा, स्केटर लाइट में भी व्हाइट। ये कुछ एग्जांपल्स है जिसकी वजह से आपको टिंडल इफेक्ट जो है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आप ये नोट्स बना लीजिएगा इसके। नेक्स्ट करते हैं, इसी के अंदर देखिए, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, मतलब वो दे रखा है क्वेश्चन कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों होता है,
ऐसा क्यों होता है कि उनका जो कलर है ब्लू होता है, इसका मैं आपका रीजन बताता हूँ। देखिए जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो होता है स्मॉल, ठीक है, ज्यादातर स्मॉल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट, सन लाइट जो है मतलब टकराती है इन फाइन पार्टिकल्स से, तो हमें ज्यादातर क्या दिखाई देता है, ब्लू लाइट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है जब इन फाइन पार्टिकल्स से जाकर के टकराती है, उनका स्केटरिंग ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी वेवलेंथ बहुत कम रहती है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से जो है हमारा स्काई का कलर ब्लू रहता है। समझ में आ गया? तो देखिए व्हाई यहां लिखेंगे 11.6.2, ठीक है, 11.6.2 व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। ये ऑलमोस्ट जो है, देखो ये डिपेंड किस पे करता है, पार्टिकल्स के साइज पे। जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज होगा उतना ही हमें स्केटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगा और उसका कलर भी अलग होगा, ठीक है। तो ये है हमारा कि क्यों जो है कलर स्काई का ब्लू होता है, इसका रीजन लिखेंगे हम। देखिए द मॉलिक्यूल ऑफ एयर and other fine particles in atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. When sunlight passes through the atmosphere. the fine particles in air scatter the blue light. ठीक है, तो यही रीजन होता है जिसकी वजह से हमारा क्लियर स्काई का कलर ब्लू होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर यही था। देखिए नेक्स्ट लिखेंगे इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर नेक्स्ट लिखेंगे द स्काई अपीयर डार्क at very high altitudes because there is no particles present there would
there would not have been any scattering of light, any scattering of light. ठीक है, देखिए हम जब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब वो बाहर से एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो उन्हें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ब्लैक क्यों दिखाई देता है? स्फीयर जो स्पेस होता है हमारा, मतलब कि जो स्पेस से देखते हैं एस्ट्रोनॉट्स या हाई एल्टीट्यूड्स पर, तो उसका रीजन यही होता है कि जो जो हमारे वहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। पार्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट के अंदर। अगर पार्टिकल ही नहीं होंगे तो स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें कलर दिखाई नहीं देगा, इसलिए ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, देखिए इसी के अंदर नेक्स्ट लिखेंगे अब डेंजर साइन आर मेड इन रेड कलर बिकॉज it has longest wavelength, longest wavelength and least scattered, and least scattered by fog. It can be seen, therefore, it can be seen in same color at distance, in same color at डिस्टेंस। तो डेंजर साइन जो होते हैं रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहती है और ये कम जो है स्केटर्ड होता है बाय फॉग से, जो कि हम दूर से भी रेड कलर को आराम से धुएं के अंदर देख सकते हैं। इसीलिए जो है डेंजर साइन को हम रेड कलर में ही बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है, जो आपको बताएगा कि सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर जो कलर होता है सन का, वो रेडिश क्यों होता है। तो उसका रीजन हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे और एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू।